तो गाइस अब हम बात करेंगे फोटोट्रोपिन, यानी कि क्रिप्टोक्रोम के बाद में फोटोट्रोपिन एक तरह से फ्लेवो प्रोटीन ही होते हैं, यानी कि फ्लेविन और प्रोटीन से मिलके बना होता है, और जिस तरह से क्रिप्टोक्रोम था। लेकिन ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाई देता है, जबकि आपका जो क्रिप्टोक्रोम था वो न्यूक्लियर प्रोटीन थे। जिस तरह से उसका डाइमराइजेशन हुआ था, इस तरह से इसकी भी दो आपको अलग अलग से डोमेन देखने को मिलेंगे। पहला जो फोटोसेंसरी डोमेन है, दूसरा आपका एंजाइमेटिक डोमेन है। तो यहाँ पे लाइट के साथ में ही जो आपको रेस्पॉन्स देखने को मिल सकता है वो ऑक्सीजन और वोल्टेज के रूप में भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लाइट ऑक्सीजन और वोल्टेज डोमेन, LOV1 और LOV2। लाइट जब एबसेंट होती है तो उस टाइम पे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के साथ में नॉन कोवेलेंटली वे में बाइंड होता है, और आपका जो एंजाइम है सेरीन थ्रिएन काइनेज एंजाइम है उसका कोई भी फॉस्फोलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। ब्लू लाइट प्रेजेंस में आपको देखने को मिलेगा फॉस्फोलाइजेशन। फर्स्टली जो आपको फोटोसेंसरी डोमेन है वहाँ पे कोवेलेंटली वे में आपके साथ फ्लेविन अटैच होता है, जो कि फॉस्फोलाइजेशन शुरू करवाता है सेरीन और थ्रियोनिन एंजाइम का। ठीक है, अब फोटोट्रोपिन का मेन फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, साथ में फोटोट्रोपिस, यानी कि एक स्पेसिफिक जो रेस्पॉन्स किस तरह से देगा फोटो सेंसरी लाइट में या फिर फोटो सेंसरी सिग्नल में। तो फोटो रेबिडोप्सिस प्लांट में आपको फोटोट्रोपिन 1 और फोटोट्रोपिन 2 देखने को मिलती है। तो इसका मेन फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट। क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट किस तरह से होता है म्यूचुअल सेल्स में वो देखते हैं। दो तरह से हो सकता है, एक्युमुलेशन रेस्पॉन्स और एवर्जेंस रेस्पॉन्स। एक्युमुलेशन रेस्पॉन्स होता है लो लाइट को इंटेंसिटी को हाई लाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है, जबकि एवर्जेंस रेस्पॉन्स होता है हाई लाइट्स की उपस्थिति होने पे म्यूजोफिल सेल्स को फोटो डैमेज से बचाना। ठीक है, तो लो लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए ये म्यूजोफिल सेल्स के अपर साइड और लोअर साइड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन रेस्पॉन्स। जबकि फोटो डैमेज से बचाने के लिए ये सरफेस, यानी कि लाइट के पैरेलल में सरफेस की तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं अवॉइडेंस रेस्पॉन्स। ठीक है, अभी मीडिएट किया जाता है एरबिडोप्सिस में फोटोट्रोपिन 1 और फोटोट्रोपिन 2 के द्वारा, वो एक्यूमुलेशन रेस्पॉन्स मीडिएट किया जाता है, जबकि ओनली फोटोट्रोपिन 2 के द्वारा मीडिएट किया जाता है अवॉइडेंस रेस्पॉन्स। ये मिलता है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और फोटोट्रोपिन 2 मोस्टली देखने को मिलता है आपकी क्लोरोप्लास्ट एनवेलप में। और इसमें आल्सो हेल्पफुल होती है एक और प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट अनयूजुअल पोजिशनिंग 1 प्रोटीन। इन दोनों फंक्शंस में मेन इम्पोर्टेंस रोल यहाँ पे या फिर मेनली हेल्पफुल वे में यहाँ पे प्ले करती है। तो ये बेसिक्स क्रिप्टोक्रोम का टाइप फ्लेवो प्रोटीन फोटोट्रोपिन देखा हमने, किस तरह से एक स्पेसिफिक लाइट में यहाँ पे फोटोट्रोपिस्म होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।